जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SP इन्फॉर्मेशन में दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम आपको आज बताएंगे दोस्तों चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज के बारे में, CMP एडमिशन 2021 के बारे में बताएंगे दोस्तों। इन कोर्सेज के कट ऑफ आ गए हैं दोस्तों, कट ऑफ कितना है दोस्तों आपको इसके बारे में बताएंगे। ओ माय गॉड CMP दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। आपके कई कोर्सेज के कट ऑफ दोस्तों आ चुके हैं, एकदम ऑफिशियली न्यूज़ है दोस्तों किसकी तरफ से, CMP की दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों आपके लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के CMP की ऑफिशियल न्यूज़ संबंधित आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती हैं दोस्तों। तो चलिए समझते हैं हम जो CMP की कट ऑफ आई है उसके बारे में, कितना कट ऑफ आया है और शेड्यूल क्या क्या है दोस्तों, टाइमिंग क्या क्या है, पूरा हम फिक्स आपको एकदम अच्छे से बताएंगे दोस्तों वीडियो में। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए CMP कॉलेज अलाहाबाद दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर डेट भी देख लीजिए, 7 तारीख को जारी किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो आपका मेन मुद्दा है वहाँ पर चलते हैं सीधे, प्रकाश नार्थ दोस्तों। देखिए यहाँ पर तो देखिए प्रकाश नार्थ दोस्तों, तो यहाँ पर CMP डिग्री कॉलेज इलाहाबाद प्राचार्य की एक विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 8 दिसंबर 2021 को नियमानुसार प्रवेश होगा दोस्तों। 8 दिसंबर के प्रवेश के लिए ये कट ऑफ जारी की गई है दोस्तों। तो देखिए पहले BCOM वाले के लिए, BCOM अनारक्षित श्रेणी UR के लिए दोस्तों, मतलब UR के सभी वर्गों के लिए 153.9 या अधिक अंक एवं अनुसूचित जाति के ST वर्ग के सभी छात्रों का आवेदन होगा दोस्तों, मतलब एडमिशन होगा। तो देखिए पहले BCOM की बात कर लेते हैं। तो BCOM के छात्रों के लिए यदि 153.9 है, मतलब 153.9 है दोस्तों यदि आपका नंबर प्लस है दोस्तों, तो UR का है, UR में कितने आते हैं, जनरल आते हैं, OBC आते हैं, EWS आते हैं, SC आते हैं दोस्तों। तो UR के लिए दोस्तों कितना है, 153.9 है दोस्तों, कितना 9 है। तो देखिए इतना यदि आपका है दोस्तों तो आप जाकर अपना एडमिशन BCOM में 8 तारीख को अपना एडमिशन कराइएगा दोस्तों। और ST के सभी छात्र जा सकते हैं दोस्तों, जिनका भी जितना भी नंबर है। अब BSc मैथ्स की बात कर ले दोस्तों, BSc मैथ्स की बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर UR के लिए अंतर्गत सभी वर्गों के 160 अंक या अधिक एवं अनुसूचित जाति के सभी छात्रों का प्रवेश होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर जितने भी जनरल के हैं, OBC के हैं, EWS के, SC के, यदि उनका BSc मैथ्स में दोस्तों 160 प्लस है, यदि 160 प्लस स्कोर किए हैं दोस्तों, तो 8 तारीख को जाकर अपना एडमिशन CMP में करा लेंगे दोस्तों। BSc मैथ्स की बात करें और ST कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं वो सभी जा सकते हैं BSc मैथ्स से CMP में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों। तो 160 किसके लिए है दोस्तों, आपका BSc मैथ्स के लिए। अब BSc बायो की बात कर लेते हैं। तो BSc बायो का प्रथम खंड है दोस्तों, सभी का प्रथम खंड है। तो देखिए यहाँ पर UR के लिए कितना, सभी वर्गों के लिए 148 दोस्तों, कितना। यदि BSc बायो से आप यदि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, यदि आपका 148 नंबर प्लस है दोस्तों, यदि आपने BSc मैथ से BSc बायो से आपको यदि CMP चाहिए दोस्तों, तो आपका नंबर कितना होना चाहिए, 148 प्लस। यदि आपका है 248 प्लस, तो आप जाकर अपना एडमिशन 8 तारीख को, 8 दिसंबर को, अर्थात कल दोस्तों, अपना एडमिशन जाकर CMP में करा लीजिएगा दोस्तों BSc बायो से दोस्तों। और देखिए ST कैटेगरी के सभी जा सकते हैं, जितने भी ST कैटेगरी के छात्र हैं वो सभी जाकर अपना एडमिशन करा लें दोस्तों कल। तो यह रहा दोस्तों हम किसको किसके बारे में बताए, BCOM के बारे में बताया, BSc मैथ्स के बारे में बताया, BSc बायो के बारे में बताया दोस्तों। अब यहाँ पर जो लिखा गया दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए यहाँ पर जो आपको लिखा गया दोस्तों, इसको पढ़िएगा पूरे अच्छे तरीके से। यहाँ पर लिखा गया दोस्तों, सभी इच्छुक प्रवेशार्थी वांछित अभिलेखों TC की मूल प्रति, मतलब यहाँ पर दस्तावेज के बारे में बताया गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दस्तावेज पढ़ लीजिए क्या क्या दस्तावेज है दोस्तों, हम इसको नहीं बताएंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम छोड़ देते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इस पूरे दस्तावेज को पढ़ लीजिए। कब आपको जाना है, तो 9 बजे से 12 बजे के बीच आपको जाना है दोस्तों। फिर आपका जो शुल्क रसीद है, इतने के टाइमिंग में आपका एडमिशन होगा, फिर 1 बजे आपकी रसीद दी जाएगी दोस्तों। तो यह था दोस्तों आपके लिए CMP की ऑफिशियल न्यूज़ दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दोस्तों आपके लिए। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती हैं दोस्तों। और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। यदि CMP से कोई भी आपका प्रश्न बनता है तो आप मुझे कमेंट में दीजिए, उसका जवाब हम तुरंत कमेंट में देंगे दोस्तों। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में CMP से संबंधित या इलाहाबाद के अफिलेटेड कॉलेज से संबंधित कोई और अन्य न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।